नमस्कार, स्वागत है आप सबका GB24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। जमशेदपुर कोलान के तीनों जिले में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा 42 डिग्री से पार हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को पारा 44 डिग्री के आंकड़े को छू सकता है। इंसान तो अपने लिए सुरक्षित जगह तलाश कर ले रहा है, मगर जानवरों और पशु पक्षियों के आशियाने पर आफत आन पड़ी है। जहाँ क्षेत्र में पड़ रहे प्रचंड गर्मी और लू की वजह से जंगलों में आग लगी जा रही है और आग की वजह से जंगली जानवर और पशु पक्षियों को पलायन करना पड़ रहा है। वन विभाग इसको लेकर गंभीर नहीं है, या तो उसके पास संसाधनों का घोर अभाव है या विभाग के अधिकारी लापरवाह हो चुके हैं। सरायकेला के कांडरा क्षेत्र के हाड़ी भंगा गाँव के जंगलों में लगी भीषण आग विभाग के लापरवाही की कहानी बयां कर रही है। इसके अलावा दलमा वन्य जीव आश्रय में भीषण आग लगी हुई है, इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग कैसे लगी, इस पर मंथन के बजाय आग पर कैसे काबू हो, इस पर गंभीरता दिखानी होगी। जिले के किसी भी जंगली इलाके से गुजरिए, आपको साफ दिखेगा कि वहां आग लगी हुई है। वैसे इसके पीछे इंसानी जनमानस की लापरवाही से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अनुमूलन लोग बीड़ी या सिगरेट पीकर उसे पूरी तरह से बुझाने की बजाय झाड़ियों के किनारे फेंक देते हैं, जो इस तरह के अगलगी का कारण बनते हैं। बात दलमा वन्य प्राणी आरक्षक की करे तो यहाँ बड़ी संख्या में जंगली जानवर प्रवास करते हैं। हाथियों का यह सबसे सेफ जोन है, मगर आग की वजह से ये पलायन कर गांवों का रुख कर रहे हैं, जो ग्रामीणों और फसलों का निशाना बन रहे हैं। या पिछले एक फगवाड़े में आग लगी, दलमा धू-धू कर जल रहा है। इसकी आग दलमा की तराई में बसे गांवों तक पहुंच चुकी है, मगर संसाधन विभाग चमत्कार के भरोसे बैठा है। समय रहते यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो दलमा की आग की जद में न केवल जंगल बल्कि जंगली जानवर और इंसान भी आ जाए। इस पर बोलने से वन विभाग के अधिकारी कन्ना काटते देखे जा रहे हैं। वही ग्रामीण इसे अपनी बदनसीबी मान रहे हैं और इंद्रदेव से कृपा बरसाने की फरियाद लगा रहे हैं, मगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी की माने तो इसके लिए पूरा अप्रैल इंतजार करना। खुल पाएंगे भाई, क्या पता चल रहा है, क्या देख रहे हैं आप? आग ही तो जल रहा है, लेकिन कौन जलाया, कैसे जलाया, वो नहीं, हमको भी नहीं पता है। कैसे मतलब क्या चीज में लगा है आग? हाँ, वो तो नहीं बोल पाएंगे। पूरा तो मतलब कौन सा क्षेत्र है ये? ये तो है हाड़ी भंगा क्षेत्र है। अच्छा, मतलब जंगल का क्षेत्र है। जंगल क्षेत्र है, तो इसमें आग कैसे लग जा रहा है? कैसे मालूम चलेगा, कोई यहाँ की सिगरेट पी के वो माचिस मार दिया होगा, वो भी हो सकता है। कहाँ से आप आ रहे हैं? तो चारों तरफ देख रहे, इसी तरह का है? हाँ, उधर से हम देख रहे हैं। हाँ। पूरा आग ही लगा हुआ है। क्या नाम हुआ भैया आपका? नारायण। फिलहाल इस खबर में इतना ही। झारखंड की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए GB24 न्यूज के साथ।